नमस्कार साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों में जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं और अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। तो कुछ विभागों में ये जो संविदा कर्मी हैं अपना रोजगार, अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। किस कारण से? क्योंकि उनके लिए जो मानदेय है, जो वेतन है, वो उनके परिवार के भरण पोषण के अनुसार नहीं है। बहुत सारे संविदा कर्मी जो है इसमें लगे हुए हैं और उनका लगातार शोषण भी हो रहा है। सरकार इनकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रही है। बहुत ही अल्प मानदेय में कई पोस्ट ऐसी, जैसे कि शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं और भी अन्य विभागों में हैं। उसी प्रकार पंचायत सहायक एक पदवी है प्रत्येक ग्राम पंचायत में, तो उनको कितना मानदेय मिलता है और वो लोग क्यों रोजगार छोड़ रहे हैं, इस वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जैसे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक करें और वीडियो शेयर अवश्य करें। यह मामला है उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत का। यहाँ मानदेय इनका 6,000, कैसे चले परिवार, पंचायत सहायक छोड़ रहे हैं रोजगार, ग्राम पंचायतों में कार्य होने लगे प्रभावित, नई नियुक्तियों के लिए शासन को भेजी गई है रिपोर्ट। आखिर 6,000 में क्या होगा आज के इस महंगाई के समय में? तो आगे देखते हैं। ये मामला है पीलीभीत। गुजारे लायक मानदेय ना होने के कारण जिले के 720 ग्राम पंचायतों में काम कर रहे पंचायत सहायक अब नौकरी छोड़ने लगे हैं। एक साल में 55 पंचायत सहायक इस्तीफा दे चुके हैं और लगभग इतने ही नौकरी छोड़ने की तैयारी में है। इससे पंचायतों में कार्य अटकने लगे हैं। गांव में पंचायत से संबंधित सभी कार्यों के लिए अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पंचायत सहायक के पद पर युवाओं को तैनात किया गया था। नाम से युवाओं को लगा कि नौकरी अच्छी है, लेकिन जब काम करना शुरू किया तो उन्हें काम के बदले जो मानदेय था वो बहुत कम लगा। उनके पास विभागीय जिम्मेदारी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा आयुष्मान कार्ड बनाने का भी काम है। ऐसे में सभी तनाव में रहते हैं। क्षमता पर तैनात पंचायत सहायकों को मात्र एक माह में 6,000 रुपये ही दिया जाता है। इतनी कम पगार पर पूरा काम करना और परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है। एकता के अनुसार नौकरी और पगार न मिलने के कारण पंचायत सहायकों ने अब त्याग पत्र देना शुरू कर दिया है। यहाँ पर एक जो पंचायत सहायक थे उन्होंने क्या कहा कि 6,000 में नहीं चल पा रहा काम। मरौरी ब्लॉक के गांव सैदपुर के पंचायत सहायक के तौर पर उमेश कुमार की तैनाती थी। करीब एक साल पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उमेश ने जवाब में कहा कि नौकरी भी स्थायी नहीं थी और योग्यता के अनुसार नहीं थी। संविदा पर नौकरी है और 6,000 से काम नहीं चल रहा था, ऐसे में नौकरी छोड़ दी, अब अन्य नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। तो वक्त रहते हुए ये लोग सचेत हैं अपने करियर को लेकर और ये एक संविदा की नौकरी छोड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि कुछ समय बाद इनके जो है हाथ से समय भी निकल जाएगा इनका और इसमें ये फंस के रह जाएंगे। यही हाल उत्तर प्रदेश में कई विभागों में तैनात संविदा कर्मियों का हुआ है, जैसे कि शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं इत्यादि। तो आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी और संविदा नौकरी से हमेशा बचने की कोशिश करें।